कहते हैं कि जब आत्मबल ऊंचा हो और कुछ करने का जुनून हो तो विपरीत परिस्थितियां भी इंसान को मजबूत बनाती है। ये कहावत उत्तरकाशी की बेटी अंजलि पर सटीक बैठती है। सड़क दुर्घटना में पिता की मौत का दुख भी कक्षा 12वीं की छात्रा अंजलि का कबड्डी खेलने का जुनून और समर्पण कम नहीं कर पाया। बीते 11 नवंबर को एक सड़क दुर्घटना में अंजलि के पिता की मौत हो गई थी। बावजूद इसके अंजलि राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही है। अंजलि इस प्रतियोगिता में उत्तरकाशी टीम की कप्तान भी है। मेरा नाम अंजलि विश्वकर्मा है। मैं मोरी ब्लॉक के गांव से जिसका नाम है साथ और मेरे सब्जेक्ट है BCM। मेरे परसों मेरे गाँव पापा गाड़ी पर रखे थे आपने फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। बीते 11 नवंबर को मोरी क्षेत्र में हुए एक सड़क दुर्घटना में अंजलि के पिता विजय कुमार की मौत हो गई थी। GIC नेटवार के अध्यापक राजीव विजलवान ने बताया कि उनके विद्यालय से 3 छात्राएं अंजलि, करिश्मा व बालेश्वरी का चयन राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए उत्तरकाशी की बालिका टीम में हुआ है। का जो है निश्चित रूप से जो है ये हमारे सब बेटियों के लिए और सब खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा की स्रोत है। ये हमारे बहुत होनहार खिलाड़ी है जो कि पिछले विगत 2-3 सालों से जो है राज्य स्तर पर प्रतिभा कर रही है और हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज नेटवार से मोरी ब्लॉक से और हमारे अंडर 19 टीम की कैप्टन है। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि परसों एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी और उसमें इनके पिताजी की जो है मृत्यु हो गई और जो है परसों की जो है अंतिम संस्कार हुआ तो लड़की हमारी बहुत दमदार लड़की है, बहुत बोल्ड लड़की है और लड़कियों को भी और हमारी बेटियों को भी जो है इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। खेल के प्रति जो इनका लगाव है और जो इनका साहस है वो बहुत अदम्य है, बहुत अदम्य साहस है और हमें ऐसी बालिकाओं को हम जो है सैल्यूट करते हैं। बता दें कि राज्य की इन प्रतिभावान बेटियों ने सैकड़ों बार समूचे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।